लैंडेड इन यूके. इंडिया से बाहर भी निकलते हैं सबसे पहले हम देसी खाना ढूंढ रहे होते हैं कि यार दाल कहाँ मिलेगी. एंड आई एम गेटिंग माई आई गॉट माई ओन स्टफ ऑल्सो. मैं पिनिया विनिया लेके आया हूँ घर से. टिपिकल इंडियन स्टफ लाइक डोंट टेक रिस्क व्हेन इट कम्स टू फूड. नाउ वील हेड ओवर टू द सिटी. सो लुकिंग फॉरवर्ड. स्टेशन वेर यू डोंट नीड टू नो इंग्लिश टू नो वेर यू आर, क्योंकि यहाँ का नाम जो है वो पंजाबी में भी लिखा हुआ है. जी आया नू साउथ हॉल, विच मीन्स वेलकम टू साउथ हॉल. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक मिनी इंडिया, क्योंकि यहाँ पे तुमको गोरे लोग रेयरली दिखेंगे. ठीक, घुसो तो एंड टीवी की भाभी जी घर पर है कि एड लगी हुई है. ठीक है, कारें रेड लाइट क्रॉस कर रही हैं. सो यू नो इट इज इंडिया नाउ. इससे ज़्यादा तुमको अंग्रेज करोलबाग में दिख जाएंगे. क्या भिखारी इंग्लिश बोलते हैं? मेरी दादी तो कंफ्यूज हो जाती है, किसको इंग्लिश आती फिर भी ये भीख मांग रहे. और अच्छे ड्रेस कब होते हैं यहाँ पे भिखारी? सबसे पहले बढ़िया सिगरेट भी पी रहा है, कुत्ता रखा हो. मतलब दिल्ली का औरंगजेब रोड वाले लग रहे हैं. मतलब कुत्ता कुत्ता भी छोटा मोटा नहीं रखा होता इन्होंने. कुत्ता अच्छा बड़ा देखा तुमने? सॉलिड जर्मन शेफर्ड है, अच्छे खासे बड़े बड़े कुत्ते. भिखारियों ने मैं देखा, मैंने कहा कुत्ता बेचते वाली एच के आ जाएगा तेरा. So you didn't go to school or anything? What? Yeah, I went to school. Okay. But didn't get any job or something else? Yeah, I've got a job. And this is where you sleep also? No. Do you know St. Giles Cathedral? Okay. The cathedral. Just yeah. Up there. I sleep at the side of there. Okay. तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, जब भिखारी इंग्लिश में बात करता है तुम्हारे साथ और तुमसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है. और ये पढ़ा लिखा आदमी है. हमारे यहाँ तो इसको तीन चार रोल तो बॉलीवुड में भी अंग्रेजों वाले मिल जाते. रहे